देवियों और सज्जनों, मैं अनु कपूर आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। और जितने भी मेरे श्रोता हैं उन सब का भी हार्दिक नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों के प्रेम की वजह से बहुत कम समय में ये प्रोग्राम लोगों के, श्रोताओं के, दर्शकों के दिल में घर बना चुका है, इसलिए आज मेरा स्टूडियो पूरा भरा हुआ है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। देखिए, आपने देखा होगा फॉर्मेट कुछ इस तरह से बना है कि कभी किसी पर्सनैलिटी की, शख्सियत की बात करते हैं, तो कभी किसी पर्टिकुलर ईयर की या सन की बात, किसी टाइम की बात करते हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठा, ये तकरीबन कॉन्सेप्ट सा बन गया है हमारा। तो आज मैंने चुना है साल 1976। यहाँ कामनी जी बैठी है, कामनी खन्ना जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे मित्र यहाँ पर राजेश कुमार गुप्ता जी भी आए, फेमस डायरेक्टर, उनके लिए भी जोरदार तालियां। दादा थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नीलिमा थैंक यू वेरी मच। ये साल, वो वर्ष है 1976 का, जिसमें एक ऐसी शख्सियत की आमद हुई जो बनने तो आए थे एक्टर लेकिन बन गए डायरेक्टर, और कालांतर में जाके राज कपूर के बाद इनको टाइटल मिला, लोग इनको कहने लगे शोमैन ऑफ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। एनी गेस कामनी जी? सुभाष गई। देखिए, इसका मतलब ये जो भी टाइटल दिया गया था बिल्कुल सही था। 1976 से लेकर अब तक इतने साल हो चुके हैं, और उसके बावजूद अगर लोगों के दिमाग में एक पर्टिकुलर टाइटल किसी खास व्यक्ति की इमेज के साथ जुड़ा हुआ है और याद है, तो इसका मतलब सुभाष घई सचमुच में उस टाइम के फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन थे। उनसे पहले राज कपूर को शोमैन कहा जाता था। सुभाष घई के बारे में आपको बता दूं, इनके पिताजी डेंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, और बेसिकली जो डॉक्टर फादर थे अपने बेटे सुभाष को अकाउंटेंट बनाना चाहते थे, लेकिन बालक सुभाष के मन में उमंग जाग गई एक्टर बनने की, कि मुझे एक्टर बनना है। हिंदुस्तानियों को हमेशा से कला जगत या फिल्म का जगत हमेशा से आकर्षित करता रहा है। सिनेमा, क्रिकेट और करप्शन, ये तो पहचान रही है हमारे भारत की। तो बालक, जो यंगस्टर सुभाष गई था, उसके मन में भी ख्वाब पनप रहे थे हीरो बनने के। डरते डरते पापा से एक दिन मन की बात कह दी कि मुझे अकाउंटेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो एक्टर हीरो बनना चाहता हूं। बिल्कुल गैर फिल्मी सी फैमिली थी, जो भी एक हमारे नॉर्थ इंडिया की जो भी एक परिवार होता है, और जमाना बिल्कुल अलग था, वैल्यूज अलग थी, लोगों का दृष्टिकोण अलग था। फादर डॉक्टर थे, फादर ने अपने टेबल के ड्रॉयर से एक कागज निकालने से पहले अपने बेटे सुभाष को कहा, देखो बेटा, अगर तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम एक्टर बनना चाहते हो, हीरो बनना चाहते हो, तो फिर कुछ तालीम लेके, कुछ ट्रेनिंग लेके, कुछ सीख के बनो, वरना फील्ड में तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा। और ये कहकर उन्होंने अपने टेबल के ड्रायर से एक न्यूज़पेपर निकाल के दिया, जिसमें एक एड था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के एडमिशन का। सुभाष घई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि एक पारंपरिक हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय फैमिली के पापा इतने बड़े और फिराक दिल के होंगे। देखिए क्या गाइडेंस दी, जो वो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। खैर साहब, फिल्म इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला हुआ, वहां से कोर्स करने के बाद जिंदगी उन्हें लेके आ गई बंबई में। उन्होंने काम करना शुरू किया, जो इस उमंग की बात की थी, उमंग फिल्म में उन्होंने काम किया था, गुरुदत्त के भाई आत्माराम ने फिल्म बनाई थी उमंग। यहीं पे काम करते हुए, संघर्ष करते हुए बात बन नहीं रही थी, फुटपाथों के हम रहने वाले। लेकिन मन में तो बड़े सपने सजो के आए थे बंबई, सपने पूरे होते नहीं दिख रहे थे, कुछ फिल्में मिल रही थी लेकिन बात बन नहीं रही थी। वो हीरो बनने के जो ख्वाब है, उमंगों भरी जो उम्र थी, वो ख्वाबों की ताबीर नहीं हो रही थी, सपने साकार नहीं हो रहे थे। मजबूरी में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि लिखें। मन में ख्याल जागा कि जितना भी काम चल रहा है, किसी और के लिखे हुए डायलॉग से बंधा हुआ हूं, डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट से बंधा हुआ हूं,
कैमरामैन के फ्रेम से बंधा हुआ हूं। एक कोई ला देता है वही कॉस्ट्यूम पहन लेता हूं, कोई आता है वही जूते पहन लेता हूं। तो मैं हर तरफ से एक कठपुतली की तरह हूं। मेरा अपनी क्रिएटिविटी का जो मयार है, जो जो सीमा है, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत बंधा हुआ और तरह से। लेकिन मुझे तो नभ मंडल में ऊंची उड़ान भरनी है। इस इंटेंशन के साथ वो लिखने, राइटिंग की तरफ मुड़ गए। और उनके दोस्त एक थे बीबी भल्ला, उनके साथ मैंने काम किया। घई भल्ला के रूप में उन्होंने अपनी एक टीम भी बना ली और जाने लगे प्रोड्यूसर्स के दरवाजे पर। किसी ने उनसे कहा एनएन सिप्पी, सिप्पी साहब ने उनको याद किया कि भाई आओ कुछ कहानी वहानी सुना के जाओ। तो सुभाष जी वहां पहुंच गए और अपनी एक कहानी पूरे ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ, जैसा होना चाहिए, इस तरह से, यहां से ये क्लोजअप होता है, यहां से ये ट्रॉली चलती है, उसने पलट के देखा, उसकी आंखों में खून उबल रहा था और यहां से चिल्लाता हुआ हीरो या बाग, पूरे ड्रामेटिक अंदाज के साथ, पूरे एक जैसे कि पूरा का पूरा विजुअल प्रेजेंटेशन उन्होंने सिप्पी साहब के सामने रख दिया। सिप्पी साहब के हाथ में जो चाय का या पैग था वो वहीं का वहीं रह गया, सिप्पी नहीं लिया। सिप्पी साहब ने इस नौजवान सुभाष घई को सुना और कहने लगे कि ठीक है ठीक है, बात आई गई हो गई। सुभाष घई वापस बैक टू द पवेलियन। दूसरे दिन सिप्पी साहब का फिर फोन आया कि यार आ जाओ, मेरा पार्टनर जो है वो भी तुम्हारी स्टोरी को सुनना चाहता है। तो स्ट्रगलर जो होता है ना, उसको जरा सी उम्मीद की किरण दिख जाती है तो उसको लगता है बस सफलता उसके कदम चूमने जा रही है। मुझे तो लगता है कि वो पहुंच गए वहां पर जी, ये भी बड़ी बात थी। जी जी आप ध्यान रखिएगा आप, हाँ, कि ये जो चाह है, चाह के आशा, एक दिन बैठा समंदर तीर पर सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा, एक कागज की दिखी कश्ती तभी थी छुपी जिसमें पहाड़ों सी व्यथा, देख इतना भार ये अचरज हुआ चल रही है किस तरह ये धार में, देख इतना भार ये अचरज हुआ चल रही है किस तरह ये धार में, वो हंसी बोली चलाती चाह है आदमी चलता नहीं संसार। वाह वाह वा, क्या बात है, आदमी था ये चाह था, ये किक जो होता है, ये एड्रेनलिन जो पूरे शरीर में, यही खींच के वापस सुभाष घई को ले गई सिप्पी साहब के यहां। यहां उनका पार्टनर बैठा होता, फिर उसी प्रेजेंटेशन के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ नौजवान सुभाष घई ने अपनी फिल्म की कहानी का प्रेजेंटेशन दिया, नक्शा खींच दिया दोनों के सामने कि फिल्म दिखने लगी। मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगा ये प्रोग्राम जब हमारे जितने श्रोताओं को ये प्रोग्राम दिखने लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सो ऐसा चित्रण खींचा सुभाष घई ने कि दोनों को दिखने लगा कि ये है कहानी, बात आई गई हो गई। एक दिन सिप्पी साहब से फिर इनकी मुलाकात हुई एक पार्टी में, और वहां सब लोगों से जिस तरह से सुभाष घई को मिलवाया कि भाई ये सुभाष घई है, ये हमारे साथ पिक्चर कर रहे हैं, ये हमारी आगे आने वाली फोर्थ कमिंग फिल्म के डायरेक्टर हैं सुभाष घई, इस तरह से सुभाष घई की आमद हुई फिल्म काली चरण। क्या कहानी है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे को ये लगा कि पिता की सीख कि बेटा मैदान जंग में जाने के लिए तमाम असलाह और पूरी शस्त्र के साथ तैयार होकर जाना, आगे बढ़ने से पहले। अरे जी जी काम जी, हाँ, मैं कुछ कह रही थी, मैं आपके एक्सप्रेशन से समझ जाता हूँ। जी जी बोलिए, फरमाइए। मैं कह रही थी कि सुभाष घई जी न्यूकमर थे और सिप्पी साहब ने उनको बुला लिया और डिक्लेयर भी कर दिया पार्टी में कि ये हमारे नए डायरेक्टर हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था? देखिए मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था और कुछ चीज क्लियर नहीं थी, और इस तरह के रेवलेशन जब सिप्पी साहब ने उनको इंट्रोड्यूस किया कि ये सुभाष घई है मेरी नई फिल्म का डायरेक्टर, शॉकिंग होना चाहिए, ह्यूमन इमोशन कहते हैं कि वो शॉकिंग, हाँ, अचरज हुआ होगा कि यार ये क्या हो गया, सोचा था क्या और क्या हो गया। मतलब उनकी खुशी और उनकी घबराहट दोनों चीजें मिली जुली रही होगी। देखिए बिन मांगी मोती मिले और मांगे मिले। जी नितिन आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैंने कहीं ऐसा पढ़ा है कि कालीचरण की जब इनिशियल सक्सेस की खबरें आई तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो इतने खुश हो गए थे, इतने एक्साइट हो गए थे कि उन्होंने इनिशियल खबरों के बाद ही ना इतनी बड़ी सक्सेस पार्टी भी कर दी
और मैंने सुना है, ऐसा मुझे नहीं पता, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था इस बात को, कि उन्होंने पूरी यूनिट को एक महीने का जो है तनख्वाह भी दे दी थी, पैसा भी दे दिया था, ऐसा मैंने सुना है। देखिए आपने जो सुना है मैं भी मान के चल रहा हूं कि काश वो सही हो, और अगर संभव हुआ तो इसका पुष्टिकरण इस बात के कितना सही है, हम एक दिन शत्रु साहब से, हमारे तो सीनियर हैं, उनसे मैं फोन के ऊपर बात करके पूछ दूंगा क्या ऐसा हुआ था, वरना सुभाष घई साहब से पूछ सकते हैं उसमें क्या हुआ। बात चल रही है 1976 की। 1976 में एक फिल्म आई, ये फिल्म एक ग्रेट माइस्ट्रो म्यूजिक डायरेक्टर की आखिरी फिल्म थी, थोड़ी देर में बताऊंगा। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। '76 में एक फिल्म रिलीज हुई, डायरेक्टेड बाय H.S. रवेल, गीत लिखे साहिर ने, स्टारिंग ऋषि कपूर, रंजीता, फिल्म का नाम लैला, सुपर हिट सॉन्ग, सुपर हिट म्यूजिक, हर चीज सुपर हिट, कमाल कमाल के गाने, एंड जी 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 जी, एंड म्यूजिक बाय, बिल्कुल, एंड म्यूजिक बाय ग्रेट मदन मोहन। ये मदन जी की लास्ट फिल्म थी, इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए जो एक दो गाने हैं वो कंप्लीट किए जयदेव जी ने, इसलिए अगर आप टाइटल देखेंगे तो म्यूजिक बाय मदन मोहन एंड जयदेव आता है। इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर के गाने कौन गाएगा भी कुछ बहुत सही जानकारी मुझे नहीं लग रही है। ऐसा कुछ कहीं पढ़ा था कि शायद मदन मोहन साहब कह रहे थे कि भी फिल्म जो है लैला मजनू है, उर्दू का काफी कुछ होगा उसके अंदर, शायरी की बातें होंगी, मजनू का कैरेक्टर है तो किशोर कुमार के ऊपर नहीं जमेगा, इसलिए रफी साहब को लेना चाहिए। लेकिन इंटरनेट ये बताता है, कहता है कि भाई रवेल साहब और ऋषि कपूर फेवर में थे किशोर कुमार साहब के, कि ऋषि कपूर है तो उनपे किशोर कुमार साहब की आवाज अच्छी लगेगी, लेकिन मदन मोहन साहब ने कहा नहीं, वो अड़े हुए थे रफी साहब की बात को लेकर के, कि रफी साहब को ही गाना चाहिए, और इस बात को लेकर के काफी अनबन रही, और लास्ट में ये हालात भी आ गए, ऐसा मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे, कि मदन मोहन साहब ने कहा फिर मैं फिल्म नहीं करूंगा, तब जाकर के कहीं मजबूरी में शायद जो है। देखिए मेरी अपनी जितनी भी समझ है और मेरा अपना विचार है, जितना भी थोड़ा तजुर्बा है, मैं इंटरनेट की इस जानकारी के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप ज़रा हमारे कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड में जाने की कोशिश की दो तो आपको पता पड़ेगा, H.S. रवेल साहब बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर थे, आप ध्यान रखिएगा, H.S. रवेल साहब ने ही मेरे महबूब बनाई थी सारे गाने रफी साहब के, उसके बाद मेरे महबूब की मेहंदी बनाई राजेश खन्ना के साथ, है ना, उसमें भी रफी साहब का गाना है, रफी साहब उनके फेवरेट थे। दूसरी बात, H.S. रवेल साहब की फिल्म का म्यूजिक हमेशा बहुत अच्छा होता था, वो नौशाद साहब से करवाएं के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कराएं, रवेल साहब की सेंसिबिलिटी, समझ बहुत बहुत बढ़िया थी, रवेल साहब के राज कपूर के घर से भी बहुत अच्छे ताल्लुक थे, रवेल साहब का जो बेटा है राहुल रवेल, उनके साथ मैंने काम किया है 3 फिल्मों के अंदर, उनके और ऋषि कपूर के बचपन से ही दोस्ताना ताल्लुक थे और आज भी हैं, तो ऋषि कपूर अंकल के सामने जबान नहीं खोल सकते थे कि नहीं जी किशोर कुमार को आप लीजिए, तो इंटरनेट की इस बात से मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं। मदन जी को एग्जैक्टली मालूम था, मदन जी को कोई आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, कन्विंसिंग जरूरत नहीं है, मदन मोहन को कोई बताए कि इसमें किशोर कुमार को लेना है, कन्विंस करने की कोशिश करें, मदन मोहन जैसे लोग कभी सदियों में पैदा होते हैं दोस्त। मदन मोहन को मैं बहुत बड़ा इसलिए मानता हूं कि मदन जी के संगीत का बेस भारतीय संगीत की स्वर लहरी रही है, बाकी हर म्यूजिक डायरेक्टर ने बाहर से मारा है, बाहर से इंस्पायर हुए हैं, यहां की चेक की कंपोजिशन उठा ली, कभी स्पेनिश म्यूजिक उठा लिया, कभी इंग्लिश म्यूजिक उठा लिया, कभी स्कैंडिनेवियन कंट्री से मार के ले गए, कभी मौका आएगा तो बता दूंगा। मदन जी, जयदेव जी, ये वो पर्सनालिटी, नौशाद साहब जो भी था अपना था, अच्छा था बुरा था अपना था। मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं कि अगर हमारी कोई जो माता बहने हैं, हमारी बहने हैं, अगर वो अपनी मदर की साड़ी पहन लें तो ये तो नहीं कोई कह सकता कि तुमने चुराई है, कामनी जी नहीं ना, बिल्कुल आप मम्मी की साड़ी पहनोगे तो कोई ये नहीं कह सकता कामनी आपने चुरा ली है, बिल्कुल चुरा तो मेरी माँ की धरोहर, मेरी मदर की, मेरी माता है, बस वही वाली बात है। तो आपने वो स्वर लहरियां जो अपने देश की मिट्टी से उठाई हैं वो आप चुराते नहीं हैं, चुराते हैं बाहर का माल जो आजकल बहुत आता है, तो बिल्कुल ये गलत बात है। साहिर के गीत लिखे हुए थे और
मुझे मालूम नहीं कि कितना आप कन्विंस हैं या नहीं, जो मेरी सोच और समझ है मैंने आपके साथ शेयर की है। लैला मजनू, हा 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 हा, लैला मजनू। लैला ना मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूं, मैं कैस हूं। मजनू का नाम कैस था एक्चुअली। मजनू का अरबिक में मतलब होता है पागल या दीवाना। मजनू का जो एक्चुअल नाम था उसका नाम था कैस बिन आमरी, कैस सन ऑफ आमरी। कैस के पिता का नाम था आमरी, है ना। और लैला बिन्त सरवर, लैला डॉटर ऑफ सरवर, ये था। और लैला मजनू हमारी की हमारे कहानी नहीं, नजद के अंदर एक जगह है सऊदी अरेबिया में, वहां की एक कहानी है जो पूरे दुनिया की कहानी बन गई। आगे चर्चा करेंगे 1976 की कुछ ऐसी फिल्मों की जो बिल्कुल लीक से हटकर थीं, जो फ्रेश वेव थीं, वो जो कमर्शियल मेलोड्रामा था उसकी तरह नहीं थी, बहुत रियलिस्टिक, बहुत नेक्स्ट डोर नेबर वाली फिल्मों की। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विथ अनु कपूर। में एक फ्रेश वेव के साथ बासु चटर्जी बासुदा ने एक और फिल्म बनाई, रजनीगंधा के बाद ये उनकी दूसरी कामयाब फिल्म थी, चित चोर। गाने भी बहुत हिट थे, एक गाना तो था वो तू जो मेरे सुर में। चित चोर, हीरो अमोल पालेकर, म्यूजिक रविंद्र जैन, गीत भी रविंद्र जैन के। फ्रेश वेव, नई जैसे एक बहार खुशबू बयार आती है सौंधी सौंधी खुशबू की तरह ये गीत और संगीत का मिश्रण था, दादा रविंद्र जैन। हीरोइन ली उन्होंने जरीना वहाब नाम की लड़की, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, सुनते हैं ऐसा, कि राज कपूर ने ये जरीना वहाब को क्रिटिसाइज कर दिया किसी जगह, या कुछ नेगेटिव बात बोल दी, जिसका जरीना को लगा कि उनके करियर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये ऐसा सुनने में आया। लेकिन वो क्या है, ऐसा क्या हो गया, कौन सी बात थी एग्जैक्टली, क्या स्टेटमेंट राज कपूर ने दिया, इसकी कोई सत्यता हमारे पास नहीं है। लेकिन राज कपूर जी भी नहीं है, लेकिन जरीना जी हैं, जरीना वहाब जी हैं, और मैं तो दुआ करता हूं ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करे। अगर मेरा बस चलता तो हम जरूर जरीना जी से कम फोन पे तो बात कर सकते थे, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है, जो त्रासदी, जो दुख मुसीबत जरीना जी अपने व्यक्तिगत जीवन में झेल रही हैं, उससे हमारे श्रोता अच्छी तरह से वाकिफ हैं। पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और मतलब एक वीरांगना की तरह मुसीबतों का सामना कर रही हैं, उनके पुत्र को लेकर जो भी कुछ हुआ है। अगर आप मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, देखिए हमारा प्रोग्राम यूँ तो है सुहाना सफ़र विद अनु कपूर, लेकिन ये फिल्मी बातें हैं, गाने हैं, उनसे जुड़ी दास्तानें हैं, दास्ताने हैं उन लोगों की जो शख्सियत है, तो इसी बात का वो करते हुए मैं जानना चाहता हूँ, राजीव गुप्ता जी आप क्या सोचते हैं, आप जो भी आपके विचार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिया का और सूरज का रिश्ता था, और जब रिश्ते होते हैं तो झगड़े भी होते हैं, अलगाव भी होता है, जो सब चीज़ें चलती हैं, तो उसमें अगर कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है तो उसके लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना मुझे गलत लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि सूरज के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जी दादा आप, हाँ, मेरे को भी एकदम पूरा सहमत इनके साथ, क्योंकि जिया जी जो भी था वो कभी एडुकेटेड थे, आजकल का जमाना का लड़की था, उनको सडनली ये सब स्टेट मतलब नहीं लेना चाहिए, इसके वजह से दूसरी किसी को ब्लेम करना आई थिंक सो दिस मतलब ठीक नहीं लगता मेरे। संयोग से हमारे देश के हमारी नगरी के दो प्रोमिनेंट जो लॉयर हैं, जिनको संयोग से दोनों को मैं जानता हूँ, मैनन साहब ने भी इसी तरह से कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं, और जो दूसरी लॉयर हैं मृणालिनी देशमुख, जो मैं रिश्ते में मेरी बहन है, मेरी राखी सिस्टर हैं, उन्होंने भी यही विचार व्यक्त किए हैं जो आप लोगों के विचार व्यक्त हैं इस केस को लेकर। थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि मीठी मीठी फिल्में बनाने वाले बासुदा, 76 की बात चल रही थी ना उनकी फिल्म चितचोर की, ये मीठी मीठी फिल्में बनाने वाले बासुदा का रुमाल हैंडकरचीफ से क्या रिश्ता था। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विथ अनु कपूर। हमारे आदरणीय बासुदा को नमन करते हुए मैं बताना चाहूंगा, बासुदा जब
थोड़े से तनाव से होते थे, थोड़े से टेंशन में, स्ट्रेस में होते थे, तो अपने जेब से रुमाल निकाल के उसे चबाने लगते थे। जी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ये बात मालूम थी। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने बासुधा के साथ दो फिल्मों में काम किया है। 1984 में एक फिल्म में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक रुका हुआ फैसला, जिसे स्टेज प्ले मेरे बड़े ब्रदर रंजीत कपूर ने डायरेक्ट किया था। और उसके बाद 1985 में एक बार फिर काम किया चमेली की शादी में। और इसी फिल्म में मैंने, मुझे डबिंग करने का मौका मिला किशोर कुमार के एक गाने में। तो किशोर कुमार के साथ अगर एक सोलो है तो सोलो गाने में फिर कोई और आवाज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने भी एक शब्द भी बोला है तो हम लोग कहते हैं कि वो डुएट है भाई, सोलो गाना नहीं। जैसे आपको याद दिलाना चाहूँगा, शोले के अंदर वो कहते हैं कोई हसीना जब रूठ, तो उसमें हेमा मालिनी बोलती हैं हट साले, तो हम उसको डुएट मानते हैं। तो मैं कह सकता हूँ मैंने किशोर कुमार के साथ डुएट गाया है। तो ये आप कुछ कहना जा रहे थे नितिन, क्या जी? जी बासुदा की आपने बात बताई, रुमाल खा जाया करते थे जी। मैंने एक बहुत पहले एक सीरियल आया करता था टेलीविजन पे, उसमें देखा था जब उन्हें इन्वाइट किया गया जी, तो एंकर ने, होस्ट ने उनके आते ही पूछा कि सर आपका वो रुमाल कहाँ है। उन्होंने कहा आपने इतनी देर कर दी थी, बाहर गुस्सा आ रहा था, मैं वहीं खा गया हूं उसको। अच्छा बोला पा दादा, दादा बड़े ब्लंट हैं। हाँ, दादा तो बड़े जी जी। अभी अभी दादा जूरी के चेयरमैन नेशनल अवार्ड की जूरी में। हमारे साथ राजेश कुमार गुप्ता जी भी हैं, कुछ बताने के लिए बेताब हैं। राजेश जी के बारे में बताओ, इनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, टेलीविजन के बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं। जी राजेश जी, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा था कि चित्तौड़, जैसे हम सबको मालूम है बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट की है, और चित्तौड़ को के निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या जी। तो ताराचंद जी के एक सुपुत्र हैं राजकुमार बड़जात्या जी। राष्ट्रीय के साथ मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने प्यार के में सूरज बड़जात्या को असिस्ट किया था। उस दौरान करीबन 1.5 साल में सूरज जी के साथ और राजकुमार बड़जात्या जी के साथ था। तो बातचीत में बासुदा का निकला कि बासुदा ऐसे टेंशन में आते थे और रुमाल को उन्होंने कहा कि मैं खा गया, तुम लोगों ने इतना देर कर दिया। तो ऐसे ही मैंने नोटिस किया कितनी बार कि राजबाबू के साथ बहुत हमारे सेशन होते थे, मीटिंग्स होती थी, क्रिएटिव डिस्कशन होता था। उस दौरान अक्सर राजबाबू भी बात करते करते अपना जेब से रुमाल निकाल के मुँह में रख लेते थे उसका एक कोना, और आधा आधा घंटा मुँह में रखे रहता था रुमाल, और वो बात करते रहते थे, बात करते रहते थे। अच्छा नहीं, अब किससे किसको मिला? राजकुमार बड़जात्या से बासुदा ने लिया कि बासुदा से राजकुमार बड़जात्या ने लिया? ये तो आप उनसे ही पूछे तो पता चलेगा। जी जी, दोनों बहुत कमाल के लोग हैं। और बात चली है राजकुमार बड़जात्या की, ताराचंद बड़जात्या और उनके प्रोडक्शन कंपनी की, सूरज बड़जात्या की और राजश्री प्रोडक्शंस की और बासुदा की। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, प्लीज। सूरज जी मेरे गुरु भी रहे हैं, मैंने पूरा करीबन जितना भी फिल्म मेकिंग है सूरज जी से सीखा है। सूरज जी ने चित्तौड़ पे को बेस करके बाद में एक फिल्म बनाई थी, ऋतिक रोशन थे उसमें, अभिषेक बच्चन थे और करीना कपूर थी, और फिल्म का नाम था मैं प्रेम की दीवानी हूँ। ये फेमस बासुदा की चित्तौड़ के ऊपर बेस थी, ये फिल्म बेस कहानी थी, वहीं से इंस्पायर किया था, स्टोरी का बेस वहीं से लेके बनाई थी। मुझे याद आ रहा है कि बहुत पहले सुभाष जी ने एक फिल्म बनाई थी शाहरुख खान के साथ, और उसमें उन्होंने अपूर्व अग्नित्री को लॉन्च किया था, अमरीश पुरी भी थे, और फिल्म का नाम था परदेश। थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वो कहानी भी कहीं ना कहीं चित्तौड़ से इंस्पायर थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए, बासुदा को मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर मानता हूँ, और दो फिल्मों का आपने जिक्र किया जो बासुदा की क्लासिक फिल्म से इंस्पायर हैं, और वो क्लासिक फिल्म चित्तौड़। बात चल रही है साल 1976 की। 1976 में एक माइलस्टोन फिल्म का सब्जेक्ट लेकर सामने आए यश चोपड़ा। फिल्म का नाम था कभी कभी। कभी कभी से जुड़ी हुई दिलचस्प कहानियों को लेकर आपके सामने आऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। अभी कुछ देर पहले मैं निवेदन किया था कि मैं बात सुनाऊंगा आपको यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी की। आपको बताना चाहता हूं, यश चोपड़ा हमेशा से साहिर के बहुत करीबी रहे हैं, तो साहिर की रचनाओं का संकलन उन्होंने पढ़ा, और यहीं से एक कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर को ध्यान में रखकर
एक कहानी उन्होंने ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। कभी कभी इस कहानी के ताने बाने में बहुत बड़ा योगदान उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पामेला चोपड़ा का भी रहा। पामेला चोपड़ा ने एक आर्टिकल में एक ऐसी कहानी पढ़ ली थी, एक ऐसी औरत की जिसकी शादी हो जाती है लेकिन जिंदगी उसकी जो गुजर गई है, उस गुजरी हुई जिंदगी, गुजरे हुए पास्ट में उसकी एक बेटी है जिसे हालातों के तहत वो किसी और को गोद दे देती है। इस रोल के लिए चुना गया नीतू सिंह को, शायर का रोल, जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर है, जो इंस्पायर था साहिर की पोइट्री से, अमिताभ बच्चन को। दाग के वक्त ही गुलजार और राखी की शादी हो गई थी तो राखी जी थोड़ा सा फिल्मों से संन्यास लेने की कोशिश कर रही थी लेकिन यश चोपड़ा ने राखी को कन्विंस कर लिया और गुलजार से इजाजत दिलवा दी। गुलजार ने अपनी धनपति को इजाजत दे दी कि ये फिल्म कभी कभी यश चोपड़ा के साथ कर लो। अमिताभ बच्चन, राखी, ठीक है, वो बच्ची जो दूसरे को एडॉप्ट करवा दी गई है, गोद दे दी गई, नीतू सिंह, ठीक है। अभी इसमें एक और कैरेक्टर निकला, इस कैरेक्टर का नरेशन देने के लिए यश चोपड़ा गए ऋषि कपूर के पास। ध्यान रखे 73 की फिल्म बॉबी से ऋषि कपूर बन गए थे स्टार। यश चोपड़ा ने ऋषि कपूर को नरेशन दिया। ऋषि कपूर को रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया और ऋषि कपूर को जब पता लगा कि नीतू है उसमें तो उनका इंटरेस्ट बढ़ गया। यह वही समय था जब नीतू सिंह के साथ उनका प्रेम परवान चढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि रोल तो ठीक नहीं है, आप ऐसा करो मुझे नीतू का रोल मुझे दे दो। क्या जी, नहीं नहीं, लड़की का रोल लड़का बना दो और मुझे दे दो। यश चोपड़ा ने कहा यार क्या बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर सकता मैं तो नीतू का रोल तेरे इसको कैसे दे सकता, मेरी कहानी की डिमांड नहीं है। तो बड़े अनमने भाव से, ना ना करते हुए, बेमन से ऋषि कपूर ने एक्चुअली नीतू सिंह की वजह से मजबूरी में कि नीतू का चलो साथ रहेगा कश्मीरी आउटडोर शूटिंग के दौरान, उसके बाद मैं एक दिन काम करूंगा, एक दिन के बाद कर दूंगा, कुछ तबीयत खराब हो गई यहां से आ जाऊंगा, बंबई हुआ करता था तब, बंबई आ जाऊंगा और उसके बाद स्पेन मुझे जाना है बारूद फिल्म की शूटिंग के लिए। उन्होंने ऐसा सोच के प्लान बनाया, एक दिन शूटिंग करूंगा भाग के वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब शूटिंग स्टार्ट की तो पूरा माहौल देख के, यश चोपड़ा की यूनिट का माहौल देख के ऋषि कपूर का मन लग गया। और मन क्यों नहीं लगता, मन और दिल जिसके पास था नीतू के पास, वो भी वहां पर थी, है ना, मन और महबूबा दोनों अगर साथ, अरे वाह कैसे नहीं लगेगा, दोनों की जुगल जोड़ी, मेरे को तो बहुत बड़े अच्छे लगते हैं दोनों। नीतू सिंह बड़ी बड़ी ग्रेसफुल जो महिलाएं होती हैं उनमें से एक मैं मानता हूं, अब बहुत खूबसूरत, बहुत डिग्निफाइड जो होती है, भारतीय नारी एक्चुअली ऐसी होनी चाहिए, कुछ भी कपड़े कुछ भी पहने, वो जीन्स पहन सकती है लेकिन एक डिग्निटी जो होती है ना वो बिल्कुल अलग बात है। तो अगर नीतू सिंह सुन रही हूं तो मेरी आपसे ज्यादा मुलाकात नहीं है लेकिन जितनी बार भी मुलाकात है मैं अडोर करता हूं आपको, प्रणाम करता हूं। तो इस वजह से ऋषि कपूर ने कभी कभी कर ली, मन लग गया, लेकिन वो खुद कहते हैं कि ये इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ उनका कोल्ड वॉर था, बातचीत कुछ ज्यादा होती नहीं थी क्योंकि उनको लगता भाई जंजीर से ये स्टार बने थे और बॉबी से वो स्टार बने थे, दोनों 73 में आए थे तो दोनों को लगता था कि भाई हम अपनी अपनी जगह के ऊपर हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पे थे। और कालांतर में जाके जब इन्होंने साथ साथ फिल्में की तो ये कोल्ड वॉर का झगड़ा सुलट गया और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, नज़दीक आ गए। और इस तरह से एक दिन की शूटिंग करते करते मन ऐसा रमा ऋषि कपूर का इस रोल में कि अब ऋषि कपूर कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस होता और पछतावा होता अगर मैं कभी कभी नहीं करता। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं राजेश जी, आप जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि कभी कभी मैं ऋषि जी की कहानी के साथ साथ जो ऐसा मुझे लगता है कि यश चोपड़ा जी का जो विजन था वो कितना बड़ा रहा होगा कि एक्शन हीरो जो अभी नया नया बना है अमिताभ बच्चन, जंजीर, त्रिशूल, दीवार, जिसमें गाने के नाम पे गाना नहीं गाना है, सिर्फ एक्शन है, और तो उस एक्टर को एक शायर के रोल में कंसीव करना और उस एक्टर को साइन करना अमिताभ बच्चन को कभी कभी में। इतना जरूर कहूंगा कि आज जो भी हमारे नौजवान एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन को मैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो भी बेहतरीन कलाकार हैं, देखो अमिताभ बच्चन तो सुपरस्टार तो हैं ही, वो बताने की क्या जरूरत है, लेकिन जिनको भी अन्नू कपूर मानता है कि कलाकार हैं, जैसे बलराज साहनी जी हैं, मोतीलाल जी हैं, नलिन जयवंत हैं, वहीदा रहमान हैं, दिलीप कुमार हैं, सी
जो कलाकार हैं, एक बात ध्यान रखना, एक कलाकार स्टार बन जाए, बहुत सारे केसेस सामने हैं। एक कलाकार स्टार बन गया, दिलीप कुमार एक कलाकार है स्टार बन गया, सलाम। अमिताभ बच्चन एक कलाकार है स्टार बन गया, सलाम। लेकिन कोई स्टार एक्टर बन जाए, अभी तक ऐसा मेरे सामने आया नहीं है। संजीव कुमार एक कलाकार स्टार बन गया, प्रणाम। तो कलाकार स्टार बन जाए हुआ है, परंतु स्टार कोई कलाकार बन जाए, ये बहुत रेयर घटना है। तो कम बैक टू आपके बात में कि अमिताभ बच्चन अपने पीक टाइम के ऊपर कलाकारी के उस सोपान पे जब थे, तो उनकी आंखों में आप देखिएगा, वो शायर का रोल कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, उनकी ब्लड के अंदर शायरी है। उनके पिताजी स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन, क्या बात है सर, साहित्य और कला और संस्कृति तो रगों में बहती है, क्यों नहीं करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे। आप समझ, कोई गाता मैं सो जाता, संस्कृति के विस्तृत सागर पर, सपनों की नौका के अंदर, सुख दुख की लहरों में उठ गिर बहता जाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, उनके लिए बिल्कुल आम बात थी। हाँ, फाइटिंग उनके लिए आम नहीं थी, लेकिन उस पर मेहनत की और प्रूव करके बता दिया कि फाइट भी ऐसी जबरदस्त करते हैं, तो बात है। ये मैं बताना चाहूंगा। और कहीं ना कहीं यश चोपड़ा को ये उनके अंदर, यश चोपड़ा में ये हुनर तो था कलाकार को पहचानने का। साहिर साहब के साथ जो रहे हैं, यश चोपड़ा के साथ मेरा भी इंट्रैक्शन हुआ है, ये बहुत सेंसिबल आदमी थे, सुनते थे यार, ऐसी बात थोड़े कभी कभी की बात चल रही है। खय्याम साहब को दाद देनी चाहिए, कमाल का म्यूजिक बनाया, सिंपल म्यूजिक है। खय्याम साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का कभी कभी गीत के लिए, साहिर को बेस्ट गीतकार का, और मुकेश जी को बेस्ट सिंगर के अवार्ड प्राप्त हुए थे। 1976 की फिल्मों की चर्चाओं के बाद, किस्से और कहानियों के बाद, आगे बताऊंगा कुछ और फिल्मों का लेखा जोखा। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। छिहत्तर की बहुत सारी रिलीज के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी 1976 में, जिसका नाम था एक से बढ़कर एक। इसी फिल्म से हिंदी फिल्मों में कदम रखा बांग्लादेश की मशहूर गायिका रूना लैला। असल में क्या है, कुछ चीजें हमारे जो श्रोता हैं उन सबको बता देना चाहता हूं कि कविता की वजह से एक चीज शायद मिस हो जाती है। असल में तो प्रार्थना गीत है, ये गीत तो है लेकिन प्रार्थना गीत है, दुआ है। हम्द कहते हैं, हम्द का मतलब है प्रशस्ति गीत, प्रशंसा जब किसी की जाए तो जिसकी प्रशंसा की जा रही है वो बहुत बड़े सूफी संत हैं, जिनका नाम है शाहबाज कलंदर। तो जब बोलते हैं सखी शाहबाज कलंदर, तो हम क्या समझते हैं सखी शाहबाज कलंदर, वो पोइट्री की वजह। सखी का मतलब होता है जो सबको दान दे, ध्यान रखना, सखी, सखी मतलब दाता, देने वाला, है ना, देने वाला। ऐसा शाहबाज कलंदर है जिसके दरबार में किसी की झोली खाली नहीं होती है, ऐसे सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। तो ये प्रशस्ति गीत है और सूफियों की वाणी है, और बड़े बड़े किस्से हैं शाहबाज कलंदर के, कि किस तरह से जिन माताओं बहनों को बच्चे नहीं होते थे वो उनके दरबार में जाके प्रार्थना करती थी और उनकी गोदहरी हो जाती थी, और बड़े बड़े दुखियों के दुख दूर कर दिए, कोढ़ियों के कोढ़ दूर हुए। और हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है ये बड़े बड़े मिरेकल से भरा हुआ है। ये ज़रा सा नासिक चले जाओ तो वहाँ अपने शिरडी के साईं बाबा है, आप कहीं चले जाइए जावरा चले जाइए तो हुसैन टेकरी है, काशी विश्वनाथ हैं, त्र्यंबकेश्वर हैं, ऐसे। तो हमारी कंट्री तो संतों और पीर फकीरों से भरी रही है। सर कमाल है, आज की जनरेशन ये गाना इतना गुनगुनाती है, पर आज पहली बार इसका मतलब समझ में है। सखी मतलब दाता, जो देने वाला है वो दाता है, और उनके बारे में कहा जाता है कि आपने तो, आप इतने बड़े दाता हैं सखी शाहबाज, हे शाहबाज कलंदर, आप तो इतने बड़े दाता हैं कि आपने तो हर भिखारी को दाता बना दिया है। आप समझ रहे ना, तो हमारे जितने भी श्रोता हैं सुनने वाले, उन सब के ऊपर परमात्मा की कृपा रहे, आशीर्वाद रहे। और संतों की वाणी तो बड़ी कमाल की चीज़ है। क्या था एक बार कि अब्दुल रहीम खानम खाना के दरबार में अगर कोई जाता था, थे तो मुस्लिम लेकिन कृष्ण भक्त थे, ध्यान रखिएगा। तो मध्यकालीन युग के जितने कवि थे वो
कृष्ण के बड़े भक्त थे, रसखान जो थे इतने बड़े कवि थे, मुसलमान थे जात के, लेकिन कृष्ण भक्त थे। ये हमारा देश अगर सही मानों में देखा जाए तो सभी संस्कृतियों का और सभी धर्मों का जो समावेश है वो सही मायनों में उस देश का नाम है भारत। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो तुलसीदास जी ने अब्दुल रहीम खानम खाना को लिख के भेजा कि भाई आपके बारे में सुना है कि दानी तो बहुत हो आप, लेकिन किसी को भी दान देते हुए आप अपनी निगाहें नजरें झुका क्यों लेते हो, नीची क्यों कर लेते हो। तो ये एक कविता के अंदर लिख के भेजा था। इस कविता का जवाब अब्दुल रहीम खानम खाना ने एक दूसरे दोहे की पंक्ति में लिख के दे भेजा। देने वाला एक है देवत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासे नीचे नैन। लोग समझते हैं मैं दे रहा हूं, इसलिए शर्मिंदगी के मारे मेरी नजरें नीचे झुक जाती हैं। मैं नहीं दे रहा हूं, मुझसे कोई दिलवा रहा है। ध्यान रखना, ये आप जो गाड़ी चला रहे हैं ना, ये शरीर आपका है, ये आपका ब्रेन आपको गाड़ी चलाने के लिए बोल रहा है। इस ब्रेन को कोई ना कोई तो निर्देश दे रहा है, उसको आप अल्लाह कह लें, यहोवा कह लें, ईश्वर कह लें, प्रभु कह लें, एग्जिस्टेंस कह लें या विधि कह लें, कुछ तो कुछ है। और जो कुछ है सच बोझो तो आपके और मेरे बीच का प्रेम बहुत कुछ है। सुनिए, भाई अशोक चक्रधर जी ने एक कमाल की बात कही है, इसके बाद आज की महफिल का विसर्जन चाहूंगा मैं। भाई अशोक चक्रधर जी बहुत मानता हूं मैं उनको। अशोक चक्रधर जी कहते हैं, एक और एक मिलकर दो होते हैं सामान्य नर नारियों के लिए, एक और एक मिलकर तीन होते हैं व्यापारियों के लिए, एक और एक 11 होते हैं सिद्ध हस्तों के लिए, लेकिन एक और एक केवल एक होता है इश्क परस्तों के लिए। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क है। बात चल रही है साल 1976 की। 1976 में एक और फिल्म रिलीज हुई थी, दादा अनिल गांगुली के निर्देशन बनी थी फिल्म तपस्या। राखी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तपस्या के लिए मिला। अमिताभ बच्चन की भी कभी कभी रिलीज हुई, अदालत रिलीज हुई, हेरा फेरी और दो अनजाने रिलीज हुई। दो अनजाने ही वो पहली फिल्म थी जिसमें लिया गया हीरोइन के तौर पर रेखा को, ठीक है ना। इसी साल एक फिल्म आई मौसम, गुलजार साहब ने फिल्म बनाई थी, मदन मोहन का संगीत, गुलजार के गीत, संजीव कुमार और डबल रोल, मां और बेटी का डबल रोल शर्मिला टैगोर को दिया गया। फिल्म मौसम 1975 के एक नॉवल द जुडास ट्री पर आधारित थी। इस नॉवल को लिखा था एजे क्रोनिन ने। संजीव कुमार ने एक और फिल्म की थी अर्जुन पंडित। अर्जुन पंडित के लिए संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। इस साल एक और उल्लेखनीय फिल्म का जिक्र करूंगा, म्यूजिक था इसमें राहुल देव बर्मन का, प्रोड्यूस बाय शक्ति सामंत, बालिका बधु। बहुत खूबसूरत गीत है, बड़े अच्छे लगते हैं। रजनी शर्मा और सचिन को लेकर यह फिल्म बनाई गई थी। ये गीत शायद किशोर कुमार जी के बेटे ने गाया था, अमित कुमार ने, बिल्कुल बिल्कुल अमित कुमार ने गीत गाया था। जब किशोर कुमार की बात चली है तो राजेश खन्ना और हेमा मालिनी स्टारर एक फिल्म भी इसी साल रिलीज हुई थी, महबूबा। महबूबा इसी साल रिलीज हुई थी और मैंने ऐसा सुना है कि इस फिल्म का जो गाना है, जो टाइटल सॉन्ग है, इसके लिए सब लोग चाहे जिस तरह की कंपोजिशन थी, थोड़ा सा शास्त्रीय राग के ऊपर जाती है, शिवरंजनी राग की झलक है, वो कहीं ना कहीं शक्ति सामंत चाहते थे कि रफ़ी साहब गाएं, लेकिन राजेश खन्ना साहब ने मुझे एक किस्सा सुनाया है कि राजेश खन्ना चाहते थे कि कुछ भी हो मेरे ऊपर पिक्चराइज ये फिल्म का टाइटल सॉन्ग किशोर कुमार गाएंगे। और रात को 2:30 बजे वे किशोर कुमार के घर पर पहुंचे, उन्हें कन्विंस किया, गाने की ट्यून सुनाई और किशोर कुमार ने राजेश खन्ना से कहा, काका कुछ भी करके एक महीने के बाद रिकॉर्डिंग करूंगा। ये राजेश खन्ना साहब ने मुझे खुद बताया है। एक महीने तक उन्होंने रियाज किया, प्रैक्टिस की, अपने आप को उस गाने में डुबोया, तब कहीं जाके ये गाना जब रिकॉर्डिंग करने पहुंचे तो पहली रिहर्सल उन्होंने इतनी खराब की कि दादा शक्ति सामंत ने बंगला में राहुल देव बर्मन से कहा कि काका का मान रखने के लिए किशोर को गाने दे, बाद में फ्रेश डेट रफ़ी साहब की लेके उनसे ये गाना गवा लेना। शक्ति सामंत के जाने के बाद किशोर कुमार ने बंगला में ही राहुल देव बर्मन से कहा, दादा गैलो कह, दादा चले गए। राहुल देव बर्मन ने कहा हाँ। किशोर कुमार ने कहा, काका कहाँ है? राज खन्ना, मैं यहाँ पर हूँ, सुन काका।
फर्स्ट टेक, दिस इज व्हाट मिस्टर राजेश खन्ना, गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस, उन्होंने मुझसे कहा फर्स्ट टेक ओके हुआ है और जो गाना गाया है वो फर्स्ट टेक का गाना है, वो गाना था मेरे नैना सावन भादो। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।